हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये प्रैक्टिस इसलिए करेंगे क्योंकि आपका जो लैब स्टेंट होम साइंस का एग्ज़ाम है, उसका जो फर्स्ट पेपर है वो आपका राजस्थान जीके का होने वाला है, और ये 100 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हमने सोचा है क्यों ना हम होम साइंस के साथ साथ इसके भी साथ में छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट करते रहें, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। ये बाघ के लिए फेमस है। सरिस्का कहाँ पर है, अलवर में, और रणथंभौर कहाँ पर है, ये आ जाएगा सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से ज़िले में अवस्थित है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये उदयपुर में उपस्थित है, और जयपुर में आपका नाहरगढ़ आ जाएगा, और जोधपुर में माचिया सफारी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैला देवी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कैला देवी अभयारण्य, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैला देवी आप नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है करौली। कैला देवी अगर आपसे मंदिर पूछा जाता है वो आ जाता है करौली में, और जो कैला देवी अभयारण्य है वो आ जाएगा सवाई माधोपुर में। कैला देवी जो है उनके गीत होते हैं लांगुरिया गीत, आपको पता हो गई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। हरे कबूतर सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं, जो कि अलवर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फाइव, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि है भरतपुर केवलादेव घना पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में संकटापन्न उड़न गिलहरियाँ मिलती हैं। उड़न गिलहरियाँ जो मिलती हैं वो पाई जाती हैं सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, जो स्थित है उसमें। क्वेश्चन नंबर सेवन, वन्य जीव को संवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया। वन्य जीव को संवर्ती सूची का विषय 1976 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर एट, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, जो कि उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नाइन, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव क्षेत्र से किया गया था। ये किया गया था ऑप्शन नंबर सेकेंड, रणथंभौर सवाईमाधोपुर से। क्वेश्चन नंबर टेन, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन, सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, जो कि जालौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया। देखिए जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये 1972 को लागू हुआ था, और जो राजस्थान में लागू हुआ था ये उसके आफ्टर वन ईयर मतलब एक साल बाद राजस्थान में लागू किया गया 1973 में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, राजस्थान का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ है। बियर रेस्क्यू सेंटर ये जयपुर में स्थित है। बियर मतलब भालू, बियर ये दूसरे वाला बियर नहीं है, ये बियर रेस्क्यू सेंटर यानी भालू रेस्क्यू सेंटर ये जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, हीरामन तोता निम्न में से किस उद्यान में देखा जा सकता है। हीरामन तोता जो है वो आ जाता है मुकुंद्रा हिल्स कहाँ पर है, कोटा में। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, धौलपुर में। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयारण्य राजस्थान में नहीं है। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदा माता। फुलवाड़ी की लाल ये उदयपुर में स्थित है, टोडगढ़ अरावली है ये अजमेर में अवस्थित है, और केला देवी जो कि मैंने आपको बताया ये करौली में इसका मंदिर स्थित है, और सुंदा माता ये सुंदा माता नहीं है, अगर यहाँ पर होता सुंदा माता ये जालौर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कोटा में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, केसरबाग। क्वेश्चन नंबर 18, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य कौन से ज़िले में स्थित है।
ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बूंदी में, जो कि अभी 2021 में इसको टाइगर वन्यजीव अभयारण्य भी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 20, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभयारण्य में चलाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड रणथंभौर में। क्वेश्चन नंबर 21, हरे गर्दन के तोते किस अभयारण्य की विशेषता है? हरे कबूतर, हरे गर्दन के तोते, ये आ जाएंगे सरिस्का अभयारण्य और जो कि अलवर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क किसका परिवर्तित नाम है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड राजीव गांधी नेशनल पार्क का। क्वेश्चन नंबर 23, ऐंचा नामक घास किस अभयारण्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड केवला देव घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमवा रामगढ़ जयपुर में, यहाँ पर लंगूर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है? ये है ऑप्शन नंबर फोर्थ राष्ट्रीय मरुद्यान, जो कि जैसलमेर में स्थित है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपनी क्वेरी हमें ज़रूर बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर हम अपना होम साइंस वाला ही डेली प्रैक्टिस सेट करें। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर यस लिखकर बताएं कि ये हमें वीडियो कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। थैंक यू।